तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है एफ्लोरेंस इफेक्ट एंड सॉल्यूशन, यानी कि आज की जो वीडियो है वो व्यूअर्स की डिमांड पर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि एफ्लोरेंस के इफेक्ट को, यानी कि जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ब्रिक वर्क यानी कि मेजनरी के केस में, कि जब मेजनरी का काम हम लोग घरों में कर देते हैं या किसी प्रोजेक्ट में कर देते हैं तो उसमें वाइट वाइट से पैचेज आने लगते हैं, जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो। तो इससे जो भी उसके ऊपर फिनिशिंग होती है वॉल के ऊपर, यानी कि आप प्लास्टर कर देते हैं, पुट्टी कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो सारा खराब हो जाता है और पील ऑफ होके वो धीमे धीमे निकलने लगता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे हमें कंट्रोल में करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले टेक्निकली समझेंगे एफ्लोरेंस क्यों होता है और जो लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीट क्यों नहीं कर पाते हैं, और फाइनली उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि ये कॉज उनको दोबारा फेस ना करनी पड़े। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एफ्लोरेंस इफेक्ट के कॉज की, ये कैसे होता है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी बुलाते हैं, जैसे कहीं पर इसको नोना बोलते हैं, कहीं पर सोना सोरा बोलते हैं, और कहीं पर नूड़ी भी बोलते हैं। तो इसका जो कॉज है, जो इसका रीजन होता है मेन, वो होता है आपका सॉल्ट। सॉल्ट इन द सेंस, सॉल्ट किस में, देखिए आपकी जो ईंटें जो आप घरों में यूज कर रहे हैं या प्रोजेक्ट में जो यूज कर रहे हैं, जिस जगह की वो मिट्टी से ये ईंटें बनी हैं, तो उसमें सॉल्ट का कंटेंट अगर ज़्यादा है तो एफ्लोरेंस का होना कंफर्म है, यानी कि उसमें एफ्लोरेंस का इफेक्ट आएगा ही आएगा। और होता क्या है कि जब ये सॉल्ट के कंटेंट की ईंटें जब आप अपने घरों में या प्रोजेक्ट पर यूज कर लेते हैं, तो एक टाइम बाद जो क्यूरिंग का, जैसे जिस टाइप का भी पानी है, मॉइस्चर है, जब ये इवेपोरेट होता है यानी कि बाहर की तरफ आता है, तो पानी तो धीमे धीमे इसकी सरफेस पर आएगा और ये सॉल्ट उसी के साथ, पानी के साथ आपके इन बाहर वाले सरफेस पे जमने लगता है। अभी होता क्या है कि ये जो सॉल्ट है उस पानी में डिजॉल्व है, यानी कि उसमें घुला हुआ है, और पानी एक टाइम के बाद इवेपोरेट हो जाता है यानी कि उड़ जाता है, और ये सॉल्ट का कंटेंट आपके ब्रिक वर्क के पैचेस में दिखने लगता है। तो ये होता है इसका मेन कॉज। और दूसरा, अगर आपका जो कंस्ट्रक्शन वाटर है, अगर उसमें भी खारा पानी आप अगर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्शन वाटर है जिससे आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, तो उसमें अगर सॉल्ट का कंटेंट है तो भी एफ्लोरेंस का इफेक्ट आ सकता है। और रीजन यही होता है कि जब ये नोना आपके घरों में दिखने लगता है, तो फिर से आप पानी से इसको धोते हो डिटर्जेंट से या जो भी साबुन का कंटेंट है, तो पानी के साथ ये नमक फिर से डिजॉल्व हो जाता है और ईंटें फिर से उसी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और फिर कुछ टाइम बाद जब पानी वो इवेपोरेट होता है तो फिर से ये सॉल्ट दोबारा उस पर जमने लगता है। तो यानी कि ये तो कन्फर्म है कि पानी से इसका जो सोल्यूशन है, अगर आप डिटर्जेंट वगैरह से धो रहे हो तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट करना कैसे है, देखिए इस प्रॉब्लम को एक पॉइंट पर ही खत्म किया जा सकता है, वो क्या है, वो है प्रिक्योरमेंट। यानी कि अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या फिर अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए ईंटों का जो सिलेक्शन करते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी सप्लायर है ब्रिक का, तो एक बार फिजिकली जाके उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर उसके भट्टे वगैरह हैं, तो वहाँ पर हम जाके चेक करते हैं कि वो मिट्टी वगैरह कहाँ से लेके आ रहा है। दूसरी चीज, उसने ईंटें जिस जगह पर सप्लाई करी हुई हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स की हम विजिट करते हैं फिजिकली और जाके देखते हैं कहीं ये एफ्लोरेंस का इफेक्ट तो नहीं है उन जगहों पर जहां पर उसकी सप्लाई की गई ईंटें यूज करी गई हैं। अगर वहां पर एफ्लोरेंस का इफेक्ट नहीं मिला है जहां पर हमने विजिट करी, तो वहां से आप ईंटों का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। अगर वहां पर कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको कभी भी उस सप्लायर से ईंटें नहीं लेनी है। तो उस पहले ही पॉइंट पर इस एफ्लोरेंस के इफेक्ट को आप खत्म कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं कि अगर इन केस आपने वो ईंटें अपने घर में यूज कर दी हैं और एफ्लोरेंस का जो इफेक्ट है वो आना
स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि लोग होते हैं ना कि फास्ट कंस्ट्रक्शन के केस में तुरंत प्लास्टर कराना फिर उसके बाद में जल्दी से फिनिशिंग के लिए आगे बढ़ना, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको करना है इसका ट्रीटमेंट, और इसका बहुत ही देसी ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, इसको इमली वॉश करना होता है। अब आप कहेंगे ये इमली वॉश होता क्या है, ये जो आपकी इमली आती है जो किराने की दुकान पर मिलती है जिसको हम लोग खाने में भी यूज करते हैं, तो इस इमली वॉश के थ्रू इसके इफेक्ट को 90% तक कम किया जा सकता है। इसको यूज कैसे करना है आपको मैं कंजम्पशन बताता हूँ। 1 kg इमली को 10 लीटर पानी में डिजोल्व करना है। 10 लीटर पानी में कैसे, 1 kg इमली को आपको 10 लीटर पानी में रात में थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी में उसको डालना है, कोई ड्रम है कोई बाल्टी है जितना भी आपका एरिया का कवरेज हो, उसके कंजम्पशन में बाद में बताऊंगा, और उसको अच्छे से ब्लेंड करके रात भर के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में जब सुबह हो तो उसको 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद जो मोटे वाले ब्रश आते हैं तो इसी पानी को इस पर पेंट की तरह अप्लाई करना है। उसको अगर आपकी एक साइड में है, अगर घर की इंटरनल वॉल है तो एक फेस पर एक बार करें और दूसरी तरफ फिर से करें, तो यानी कि एक कोट आपका हो गया बोथ साइड। फिर उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर से आपको यही प्रोसीजर दोबारा करना है। तो 2 कोट करने के बाद में जो इसका इफेक्ट है इफ्लोरेंस का वो 90% तक कवर हो जाता है। दूसरी चीज, इसका जो कंजम्पशन है, जो आप 10 लीटर पानी ले रहे हो तो ये आपका एरिया अप्रोक्सीमेट कवर करेगा 1500 स्क्वायर फीट। यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि 1 kg इमली को आपने 10 kg पानी में जो डिजोल्व किया है तो जो आपका पानी रेडी हुआ है 10 लीटर, तो इसमें से जो 1 लीटर पानी है, 1 लीटर का कंजम्पशन अप्रोक्सीमेट 15 स्क्वायर मीटर के आसपास आता है, जिसको आप 150 से लेके 160 स्क्वायर फीट तक भी बोल सकते हो। तो आप अपने घर का एरिया कैलकुलेट करिए कि आपके ओवरऑल कितना एरिया है और उसमें इफ्लोरेंस का इफेक्ट किन किन जगहों पर है। ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा टॉयलेट वाली वॉल्स पे जहाँ पर सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उस केस में वहाँ पर आप इसका ट्रीटमेंट जरूर करें। ये बहुत ही देसी सोल्यूशन है जो मैंने आपको बताया है और बहुत ही इफेक्टिव है। अब देखिए, मार्केट में बहुत सारे केमिकल और प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कुछ लोग उसको अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो एक देसी सोल्यूशन है इमली वॉश, यानी कि इमली वॉश बहुत ही इफेक्टिव है इफ्लोरेंस के केस में, और ये एक हर एक कॉमन यूजर के लिए भी काम आ सकती है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो लोग सिविल इंजीनियर हैं उनसे कभी कभी इसके बारे में इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ।